आप देख रहे हैं जनसंसद लाइव, जनजन की बात जनजन के साथ। अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, अरावली नॉलेज कैंपस एट उमेरा उदयपुर राजस्थान। अगर इंजीनियरिंग है आपका लक्ष्य और आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, कोर्सेज ऑफर्ड, बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा इन एसएस पॉलिटेक्निक कॉलेज। For details, contact SS Hills, Jamar Kotla Road, Umbra, Udaipur. Contact. जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों के अंदर उम्मीद और सहनशीलता कम होती जा रही है। वो किसी भी हालत में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। व्यवस्था ऐसी रखी गई है, घर पहुंचना सपना बनता जा रहा है। सरकार ने अब तक कोई ऐसी पहल नहीं की है जिससे मजदूर और मिडिल क्लास जाएं भी तो कैसे जाएं। कुछ लोगों ने पैदल चलने का फैसला कर लिया और कुछ लोग खुशकिस्मत हैं, वो किसी तरह मंजिल तक पहुंच गए। कुछ नेक दिल भी हैं जो लोगों को खाना खिला रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद के LIC परिवार मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन इस महामारी में भी कुछ लोग धर्म का एंगल ढूंढ रहे हैं ताकि समाज में नफरत कायम रहे। औरंगाबाद जिला भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमा परिवार के तरफ से जो सड़क मार्ग से अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जिनको किसी भी तरह की कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है, भूखे प्यासे कष्ट में परेशानी में जो आ रहे हैं, उन सबों को औरंगाबाद ने अभिकर्ता संघ और बीमा कर्मी लोग सब लोग मिलजुल करके भोजन की व्यवस्था और नाश्ते की व्यवस्था किए हैं और उनको बहुत सुकून मिल रहा है और यह बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। हम लोग आशा करते हैं इस शहर में और कई समाज सेवी संगठन हैं जो रोटरी क्लब हैं, रेड क्रॉस हैं, वो लोग भी इस काम को कर रहे हैं। औरंगाबाद सेवा शिविर है, वो भी काम कर रहे हैं। औरंगाबाद बिहार की संस्कार को, प्रतिष्ठा को बचा रही है। लेकिन इस महामारी में भी गंगा जमनी तहजीब देखने को मिल रही है। दो मजदूर दोस्त अमृत याकूब अपने घर के लिए निकले, रास्ते में अमृत की तबीयत बिगड़ गई। याकूब मदद की गुहार लगाता रहा, ना ही कोई एम्बुलेंस आई और जो राह के साथी थे उन लोगों ने अपना रास्ता ले लिया। याकूब अपने दोस्त का सर अपने जांग पर रखकर रोता रहा। अमृत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस मुल्क की यही खूबसूरती है। इसी तरह खाने का भी कोई मजहब नहीं होता है। सरदार जिसका यकीन ही है मानवता की सेवा, वो अपने जान पर खेल कर भी लोगों को खाना बांटते हैं। हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्तमश हूँ और सेव द ह्यूमन नाम का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया आपस में दोस्तों में मिलके। दोस्तों में दो चार दोस्त हैं हमारे, जकीउल्लाह अहमद हैं, फिरोज भाई और मैं हूँ। हमारे साथ और भी दो तीन चेहरे हैं, दो तीन आइडेंटिटी है हमारे साथ, बट वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। वो हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने लॉकडाउन के बाद से शुरू कर दिया था। इनिशियल फेज़ में तो हम लोगों ने शुरू कर ही दिया था। जनता कर्फ्यू के वक्त में काफ़ी लोग ऐसे थे जो जिनके पास जिन्होंने हम तक आए थे और उन लोगों ने बोला कि कुछ कोई प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि ये सिर्फ जनता कर्फ्यू तक ही नहीं थमेगा, ये आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसा इनिशिएट पहले सोचा नहीं था, बट शुरुआती दौर में हम लोगों ने दोस्तों से मांगा, पैसे लिए और राशन्स वगैरह बांटने शुरू किए, सूखा राशन। उसके बाद लॉकडाउन बढ़ता गया, लोगों के पैसे ख़त्म होते गए क्योंकि रोज़गार रहा नहीं उनके पास, तो लोगों के पैसे ख़त्म होते गए। तो ये पूरा फ्लाइट प्रोजेक्ट जो था हमारा, तब से अब तक लैंड नहीं हो पाया है। हम अब तक इस काम को कर रहे हैं क्योंकि एक कोट है कि जिसमें कहते हैं, इफ़ यू कांट फीड 100 फीड जस्ट 1। और ये बड़े ही ये उन्होंने कहा है जिनका मोटिव रहा है कि कोई भूखा ना सोए। कोई वो काफ़ी केयरिंग लेडी थी, मैं बात कर रहा हूँ मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा ने कहा था कि इफ़ यू कांट फीड 1, इफ़ यू कांट फीड 100,
टू फीड जस्ट वन, वो काफ़ी होगा। तो इतना आ रहा है क्या वहाँ? ब्लॉक कीजिए भाई। महामारी लगी थी, घरों को भाग लिए थे सभी मजदूर कारीगर, मशीनें बंद होने लग गई थी शहर की सारी, उन्हीं से हाथ पांव चलते रहते थे। मशीनें बंद होने लग गई थी शहर की सारी, उन्हीं से हाथ पांव चलते रहते थे, वगरना जिंदगी तो गांव ही में बो के आए थे। वो एकड़ और दो एकड़ जमीन या पांच एकड़, कटाई और बुआई सब वहीं तो थी, ज्वारी धान मक्की बाजरी सब। वो बंटवारे चचेरे और ममेरे भाइयों से फसाद नाले पे पर नालों पे झगड़े, लठैत अपने कभी उनके, वो नानी दादी और दादू के मुकदमे, सगाई शादियां खलियान, सूखा बाढ़ हर बार आसमां बरसे न बरसे, मरेंगे तो वहीं जाकर जहां पर जिंदगी है। यहां तो जिस्म लाकर प्लग लगाए थे, निकाले प्लग सभी ने, चलो अब घर चलें, और चल दिए सब, मरेंगे तो वहीं जाकर जहां पर जिंदगी है। महामारी लगी थी, घरों को भाग लिए थे सभी मजदूर कारीगर। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। जनसंसद लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट